नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अगर आप लॉकडाउन और कोरोना महामारी के इस दौर में रेलवे में सफर करना चाहते हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, रेलवे के मुताबिक सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। बिना मास्क वाले यात्रियों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर मास्क नहीं है तो आप गमछे, दुपट्टा या फिर किसी दूसरे कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर हाल में आपको चेहरा ढकना होगा। यात्रा से कम एक घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा। इसकी वजह यह है कि यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी जिसमें समय लगेगा। ऐसे में मानकर चलिए कि अगर आप पहले नहीं पहुंचे तो ट्रेन में बैठना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जिन यात्रियों में कोरोना के लक्षण नहीं होंगे उन्हें ही सिर्फ यात्रा करने की इजाजत होगी। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत पाई गई तो आपको सफर नहीं करने दिया जाएगा। सभी यात्रियों के लिए मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। ये ऐप आपको कोरोना के बारे में आगाह करता है। इसके बिना ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। इन ट्रेनों के टिकट सिर्फ IRCTC की वेबसाइट या ऐप से बुक कराए जा सकते हैं। रेलवे के टिकट काउंटर से कोई भी बुकिंग नहीं होगी। टिकट बुकिंग में किसी भी तरह की रियायत यानी कि डिस्काउंट लागू नहीं होगा। इसके अलावा तत्काल, प्रीमियम, तत्काल और करंट बुकिंग इन ट्रेनों में नहीं कराई जा सकेगी। केवल कंफर्म टिकट यात्री ही स्पेशल ट्रेनों में सफर कर पाएंगे। वेटिंग टिकट जैसी कोई व्यवस्था इन ट्रेनों पे काम नहीं करेगी। इसके साथ ही सभी ट्रेनें लिमिटेड स्टॉपेज पर ही रुकेंगी। अभी केवल एसी कोच के साथ ही सभी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इनमें से स्लीपर या जनरल बोगी नहीं होगी। ऐसे में जाहिर है कि सफर यात्रियों की जेब पर थोड़ा भारी पड़ेगा। एसी कोच होने के बावजूद ट्रेन में आपको कंबल और चादर की सुविधा नहीं दी जाएगी। इसके लिए अपने घर से ही आपको कंबल या फिर चादर लेकर आना होगा। एसी कोच का तापमान भी सामान्य से थोड़ा सा कम रहेगा, इसीलिए सफर में ठंड लग सकती है। तो जैसा हमने आपको पहले ही बताया है कि चादर या फिर कंबल घर से लेकर आपको जाना होगा। ट्रेन में पेंट्री कार नहीं होंगी, यानी कि सफर चाहे लंबा हो या फिर छोटा, रास्ते में खाने पीने का कोई सामान नहीं मिलेगा। ऐसे में आपको घर से ही खाने पीने का इंतजाम करके चलना पड़ेगा। खाने के लिए ऐसी चीजें साथ लेकर जाएं जो जल्दी खराब नहीं होती है, खास तौर पर लंबी दूरी वाले यात्री। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टुडे।